ज़रूरी नहीं कि आईआईटी में ही एडमिशन मिले तभी आप अच्छी जगह से पीएचडी करोगे या सोचोगे कि अब मेरा बेस्ट पीएचडी पोजीशन मिल चुकी है। आईआईटी के अलावा भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके एडवर्टीज़मेंट अभी रेगुलर आ रहे हैं, उनमें से एक है एनआईटी भोपाल। आप लोग उसको एनआईटी बी भी बोलते हैं, एमएनआईटी भी बोलते हैं, या फिर मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से इसका एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स भी 200 के आसपास अवेलेबल है। तो ये है इसका वेब पेज, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। जगह भोपाल इज़ वेरी गुड, मैं भोपाल 3 साल रहा हूँ। एंड एनआईटी, ये आज का नहीं, 1960 का इंस्टीट्यूट है और ये फिर एनआईटी में कन्वर्ट हो गया, फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन के बारे में, दिस इज़ अ गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सो इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा इंस्टीट्यूट है, मुझे एडमिशन लेने के बाद या पीएचडी करने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, सब भूल जाओ। जस्ट ये देखो कि आप इस ब्रोशर के अंदर कहाँ पे फिट हो रहे हो और आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं। चलिए जल्दी से देखते हैं डिटेल्स एडवर्टीजमेंट की। तो देखिए कैटेगरीज के अंदर 4 तरीके की हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कैटेगरी के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहे हो। द वेरी फर्स्ट, जैसे मैंने बोला कि 150 सीट, 150 नंबर ऑफ सीट्स इज़ अ फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट, एंड आई नो कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो सारे के सारे फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड नहीं हो तो आप 150 सीट्स के लिए फाइट करोगे, दिस इज़ अ ह्यूज नंबर। फिर दूसरी कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। देखिए स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो वो लोग आपको फुल फेलोशिप देके, पूरा पैसा देके भेजते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, देन इट इज़ वेल एंड गुड, आप बिल्कुल करिए। तीसरी कैटेगरी है JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट। आपके पास अपनी खुद की JRF है या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में JRF हैं या प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं, कहाँ पे, भोपाल के अंदर, MANIT के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो। इसीलिए मैं हमेशा फोर्स करता हूँ कि अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको JRF पोजीशन मिल रही है तो तुरंत ज्वाइन कर लो, PhD के फॉर्म आते ही आपको प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज किया, सर मेरे को IIT कानपुर में एक प्रोजेक्ट में पोजीशन मिल रही है, सो शुड आई गो और नॉट। तो मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया। आपको भी ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी कंफ्यूजन हो, सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके बाद आप एक पर्सनल जेन्यून रिसर्च गाइडेंस ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो फोर्थ कैटेगरी है वो है इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स, तो इनको छोड़ देते हैं, जो ऑलरेडी फैकल्टी हैं वो लोग करेंगे। अब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट पे। देखिए डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, 18 डिपार्टमेंट, तो आई गेस कि जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं शायद ये क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे कि सर इसके अंदर वो डिपार्टमेंट नहीं है। कॉमर्स डिपार्टमेंट आई एम नॉट श्योर, तो अगेन मेरे को कॉमर्स वाले बोलेंगे ज़रूर सर हम किस में अप्लाई करें, तो अगर ऐसा है तो आप कॉमेंट ज़रूर करना। बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट, सारे ही डिपार्टमेंट हैं। अब देखिए ये 1, 3 और 4 की कैटेगरी है, मतलब स्पॉन्सर्ड की एलिजिबिलिटी को छोड़ दो। स्पॉन्सर्ड वाले यार बड़े मस्त रहते हैं, उनको ना ये सब गेट, नेट, JRF निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ या तो प्रोजेक्ट में ज्वाइन करो या फिर किसी कंपनी में ज्वाइन करो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो और एज अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एंटर करो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखिए मैं आपको स्पॉन्सर्ड की एलिजिबिलिटी दिखाता हूँ, बस बैचलर्स मास्टर्स आपका होना चाहिए 60% मार्क्स से, क्या बात है, कोई नेट गेट वगैरह वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। और अब आप यहाँ नॉर्मल में आ जाओ, बैचलर्स मास्टर्स 60% 70% अलग अलग है और विद गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, नेट और गेट ज़रूरी है, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट सभी में ज़रूरी है, गॉट इट।
अब आ जाते हैं सीट मैट्रिक्स पे। इसको देखने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि यार मेरे डिपार्टमेंट में 4 सीट हैं। कुछ लोग सैड भी होंगे कि कैटेगरी की सीट नहीं है, तो मैं बोलूँगा अगर आप कैटेगरी के हैं और कैटेगरी की सीट 0 है तो आपको अपनी कैटेगरी शो नहीं करनी है। आप फॉर्म में फिल करिए जर्नल कैटेगरी अनरिजर्व्ड। गॉट इट? मैं आपको देखिए सारे सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, दैट फाइनल डिसीजन इट इज योर्स। और अगर तब भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना कमेंट करके। सो अगर आपकी कैटेगरी नहीं है, 0 है, तो आप ST ST के पीछे मत भागो, अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करो, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ सीट्स देख लो, बहुत ज़्यादा हैं, 150 सीट्स हैं अनरिजर्व में, EWS में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको सारी सीट्स मिल जाएंगी। फ़ी स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, फ़ी स्ट्रक्चर वेबसाइट पे है। ट्यूशन फीस किसी की एग्जम्पशन नहीं होगी, हॉस्टल अवेलेबल नहीं मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है सबको, डिपेंड। 1500 रुपये फॉर्म है, 1000 रुपये फॉर्म है कैटेगरी का। अब आपको करना क्या है ये ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग करके मिस्टेक कर देंगे। एप्लीकेशन आपको इस लिंक से ऑनलाइन फिल करना है पूरा डिटेल, जैसे सब जगह करते हो, फिर उसको डाउनलोड करना है, सारे फॉर्म को अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट, इसलिए परेशान मत होइए, सिग्नेचर करना है, दैट्स इट। सारे पेपर्स पे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्ट करना है, और जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट लगा के एक एनवलप के ऊपर आपको लिखना है, एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, योर बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, व्हाट्सएवर, और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर देने हैं पोस्ट से, कोई ईमेल एक्सेट्रा कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सेंड, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कोर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, जो भी पेमेंट रिसिप्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद रिटन टेस्ट की आपको डेट आ जाएगी, वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करना है, हो सकता है सीधे इंटरव्यू हो, और अगर रिटन टेस्ट होगा तो वही बेसिक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के तुरंत बाद इंटरव्यू भी हो जाता है। फिर आपके UG, PG और गेट स्कोर का वेटेज के साथ आपका एक ओवरऑल स्कोर बनेगा जिसके बेस पे आपका सेलेक्शन होने वाला है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जो एग्जामिनेशन होगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट और आपके पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, 100 मार्क्स उसमें है, 100 मार्क्स इसका होगा। नेगेटिव मार्किंग है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, जब एग्जामिनेशन होगा तब ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। टीचिंग असिस्टेंटशिप, अगर आप नेट से आ रहे हो, गेट से आ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट आपको फुल फेलोशिप देगा और आपको थोड़ा सा सेमेस्टर वाइज वहाँ पे क्लासेस लेनी होंगी, बिकॉज दिस टर्म इज़ कॉल्ड अ टीचिंग असिस्टेंटशिप। जो वहाँ के टीचर्स हैं आप उनको असिस्ट कर रहे हो, गॉट इट? सो डेडलाइंस याद रखना, डेट ऑफ रिटन टेस्ट अभी नहीं आया है, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 22nd of May, रिजल्ट डिक्लेरेशन जून जुलाई में आपका फाइनल हो जाएगा। हार्ड कॉपी जो सबमिट करनी है, दिस इज़ द एड्रेस, बहुत ही प्रॉपर क्लियरली अपना भी लिखना और उनका भी मेंशन करना, जिससे कम्युनिकेशन बिल्कुल सही एड्रेस पे, सही टाइम पे पहुंच जाए, कहाँ, भोपाल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट टेक्स्ट मी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेंबरशिप लेनी हो अगर आपको रिसर्च में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो, तो यू कैन अवेल द मेंबरशिप एंड एन्जॉय द बेनिफिट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।